वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी बेटा, असं अज शुरू कर जा रहे हैं फॉस्फोरस, ठीक है, अलेरिया एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। हाँ, तो मैं ना एक चलो शुरू शुरू हासी वाली गल दस ही दिने कि होया कि मैं सेम ही टॉपिक दी ना तीन क पेजेस मैं मतलब है ना तुहानू समझाते चंगी तरह। तो फिर जो मैं फोन देखा तो उत्थे देखा कि वीडियो बनने वास्ते मैं क्लिक ही नहीं किया सीगा। दैन आई रियलाइज्ड कि हाँ, ये तो वीडियो बनी नहीं, मैं तो 5-7 मिनट बोल लिया, हूँ मैं दोबारा बना रही हूँ उस टॉपिक दी, ठीक है। चलो, हाँ जी बेटा, फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पहले यदियाँ होंगे जिमें कार्बन दी होंगे ना, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, ठीक है। इदा फॉस्फोरस दी जिहड़ियां असीं मेन करांगे जिहड़ियां मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़े तुहाडे सिलेबस है, दैट इज़ वाइट, रैड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। पहले तो बेटा वाइट फॉस्फोरस एक ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड है, काफ़ी पॉइजनस है, वाटर दे विच ये नहीं घुलता, बट कार्बन डाइसलफाइड CS2 दे विच ये घुल जाता है और ये ग्लो करता है डार्क दे विच, जिहड़े फिनोमिना नूं असीं बोलते हैं कैमील्यूमिनसेंस, ठीक है। ये बॉयलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। पर कंडीशन की होनी चाहिए कि जो बॉयलिंग NaOH लैना वो इनर्ट एटमोसफेयर च लैना, उत्थे कोई गैसेज वगैरह प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और सानू की दिंदा फॉसफीन का फॉर्मूला PH3। वाइट फॉसफोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर फॉसफीन प्लस सोडियम हाइपोफॉसफाइट, ठीक है। वाइट फॉसफोरस बेटा घट स्टेबल होंदा, इस करके ज़्यादा रिएक्टिव है दूजे सॉलिड फेसिस, दूजे कि सॉलिड फेसिस रैड तो ब्लैक उन्होंने नालों ज़्यादा रिएक्टिव है नॉर्मल कंडीशन के, क्योंकि ये ना एंगुलर स्ट्रेन एग्जिस्ट कर लिया 60 डिग्री, इतने एंगल तुम देख रहे हो ना स्ट्रक्चर के, यदि एंगुलर स्ट्रेन के करके ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। और ये बड़ी जल्दी एयर दे विच इनू अग लग जाती है और डेंस वाइट फ्यूम्स मिलती हैं P4O10 की। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टैट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, P4 दे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क्रीट वक्रे वक्रे करते हैं और टैट्राहेड्रल इन्हों की शेप। क्लीयर है बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट वाइट फॉसफोरस। नैक्सट है बेटा रैड फॉसफोरस। रैड फॉसफोरस सानू किदां मिलदा, वाइट फॉसफोरस नू हीट करना है 573 केल्विन ते इनर्ट एटमोसफेयर च कई दिन, ठीक है। इनर्ट एटमोसफेयर मतलब होर कोई गैसेज ना प्रेजेंट होन। जो असी रैड फॉसफोरस नू अगे फर्दर हीट करिए हाई प्रेशर दे अंडर, फिर की बन जाता ब्लैक फॉसफोरस। रैड फॉसफोरस आयरन ग्रे लश्चर होंदा, उहदा वैक्सी सी ना सॉलिड, इहदा आयरन ग्रे ये वाला कलर होंदा, थोड़ा जिहा लोहे जिहे वाला जंगाल जिहे वाला टाइप, ठीक है रंग। इट इज़ ऑटरलैस, कोई दी स्मैल नहीं होंदी, नॉन पॉइजनस है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन CS2, मतलब ना तो वाटर च घुलदा ना ही कार्बन डाइसल्फाइड च। कैमिकली बेटा रैड फॉसफोरस बहुत घट रिएक्टिव है वाइट फॉसफोरस के नालों, ये ना ही ग्लो करता है डार्क दे विच। पॉलीमर दियाँ चेन्स होंगे, P4 एक अगला ना जुड़े है, वो अगले ना जुड़े, इस तरह पॉलीमेरिक चेन्स है टैट्राहीड्रा P4 मॉलीक्यूल्स, ठीक है। नैक्सट है बेटा ब्लैक फॉसफोरस। ब्लैक फॉसफोरस दियाँ दो फॉर्म्स आ, अल्फा ब्लैक ते बीटा ब्लैक, ठीक है। तो अल्फा ब्लैक कदों बनती बद बेटा, जो रैड फॉसफोरस तुसीं हीट कर दे हो एक सीड एक बंद ट्यूब दे विच 803 केल्विन तक, ठीक है। और इनू एयर दे विच सबलाइम हो जाता है, मतलब डायरेक्टली वेपर फेस च चेंज हो जाता है और इहदी मोनोक्लिनिक जां रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स इदां दी शेप होंदी है, ते ऑक्सीडाइज नहीं हुंदा एयर दे विच। जबकि जिहड़ा बीटा ब्लैक फॉसफोरस है ये प्रिपेयर किया जाता वाइट फॉसफोरस तो, ठीक है। उन्हें 473 केल्विन ते हीट करके हाई प्रेशर दे अंडर ना इति, और ये वाला जिहड़ा बीटा ब्लैक फॉसफोरस है 673 केल्विन तक ईयर दे विच बर्न नहीं करता, मतलब ये डिफरेंस है बेटा। देखो वाइट सीगा, रैड सीगा, ब्लैक ब्लैक को दो तरह का, अल्फा ब्लैक बीटा ब्लैक, इन्हों प्रॉपर्टीज़ बारे असी पढ़िया वक्ो वक्रे और बिल्कुल ही डिफरेंट ने इन्हों प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो नैक्सट है बेटा फॉसफीन। फॉसफीन की बेटा फॉर्मूला होंगे PH3, अमोनिया का फॉर्मूला होंगे NH3, फॉसफीन का की होंगे PH3, ठीक है।
फॉस्फीन की है बेटा प्रिपेयर की जाती है कादी रिएक्शन तो कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर और डिल्यूट एच सी बेटा तुसी कैल्शियम फॉस्फाइड लेना सी ए थ्री पी टू उन्हें वाटर ना जा एच सी एल ना ट्रीट करवाओ वाटर ना करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एच सी एल ना करवाओगे कैल्शियम क्लोराइड नाल तुहानू फॉस्फीन जिहड़ी ओह मिलती है लैबोरेटरी दे विच बेटा इह किदां प्रिपेयर किया जाता है लैबोरेटरी दे विच असी वाइट फॉसफोरस लेना है आपां पहलां भी ये रिएक्शन की है ना वाइट फॉसफोरस के केस विच उन्हें बॉयलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल ठीक है ट्रीट करवाना इनर्ट एटमोसफेयर ठीक है होवे तो ये साढ़े को बनना है पी एच थ्री तो सोडियम हाइपोफॉसफाइट ठीक है जो ये प्योर होंगे फॉसफीन जो प्योर होंगे ये नॉन इनफ्लेमेबल होंगे ठीक है बट इनफ्लेमेबल बन जाता है जो ये कादी प्रेजेंस हो जाए पी टू एच फोर या पी फोर वेपर्स की वैसे तो ही होंगे प्योर फॉर्म च नहीं करता नहीं जलता बट जो इंप्योरिटीज़ पी टू एच फोर या पी फोर वाली इंप्योरिटीज़ होने के वेपर्स भी हो दैन ही फ्लेमेबल है ठीक है टू प्यूरीफाई इट फ्रॉम द इंप्योरिटीज़ इट इज एबजॉर्ब्ड इन एच आई इनू प्यूरीफाई करने के लिए इनू एच आई दे विच एबजॉर्ब किया जाता है और की बनाया जाता फॉसफोनियम आयोडाइड फॉसफोनियम आयोडाइड की होंगे बेटा पी एच फोर आई पी एच फोर आई बन गया हुण इहनूं असीं कादे नाल ट्रीट करवाउणा है पोटैशियम हाइड्रोक्साइड नाल ते तां वी सानूं फॉसफीन दिंदा है मतलब इहनूं असीं इंप्योरिटीज़ तों प्यूरीफाई करना है इंप्योरिटीज़ सीगियां इंप्योरिटीज़ वाली फॉसफीन नूं असीं कादे नाल रिएक्ट करवाया एच आई दे नाल ठीक है जद एच आई नाल करवाया साडे कोल की बनिया पी एच फोर आई बनिया उहनूं असीं फर्दर के ओ एच नाल ट्रीट करवाया सानूं के आई वाटर ते पी एच थ्री मिल गया प्योरीफाई फॉर्म्स नैक्सट है बेटा प्रॉपर्टीज कलरलैस गैस है फॉसफीन यदी जी स्मैल है गलियाँ सड़िया जी मच्छियों की स्मैल होंगी वह होंगी है तो पॉइजनस है काफ़ी ज़्यादा एक्सपलोड हो जाता है जे इनू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्टैक्ट मिल जाए जिमें एच एन ओ थ्री सी एल टू बी आर टू वेपर्स इन्हों के थोड़ी जी ट्रेसिस का भी थोड़ा इन कॉन्टैक्ट मिल जाए तो एक्सपलोड हो जाता जल जाता इट इज़ स्लाइटली सोलूबल इन वाटर वाटर दे विच बहुत घट सोलूबल सोल्यूशन ऑफ पी एच थ्री इन वाटर डीकंपोज हो जाता है कि प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस के और की दिता सानू रेड फॉसफोरस से हाइड्रोजन ठीक है वैन एबजॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट हूँ बेटा देखो कॉपर सल्फेट जो एबजॉर्ब हों मरक्यूरी क्लोराइड के सोल्यूशन एबजॉर्ब हों तो सानू फॉसफाइड मिलता है कॉपर का फॉसफाइड या मरकरी का फॉसफाइड नाल एसिड बाहर निकलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट के केस के मरक्यूरी क्लोराइड के केस के हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है बेटा रिएक्शनस किदां याद होणगियां रिएक्शनस तीन तीन चार चार बार एक रिएक्शन नूं इन्नी बार लिखोगे एक दो बारी देख के एक दो बारी जबानी लिखोगे दैन याद होणगियां फॉसफीन की है वीकली बेसिक है बेटा क्यों बेसिक है देखो फॉसफोरस के उत्ते लोन पेयर प्रेजेंट है तीन बोंड बना रहा वेलेंसी दे पांच इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन वांगू तीन बोंड हाइड्रोजन नाल बना रहा एक बच गया लोन पेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट लोन पेयर इट इज़ वीकली बेसिक तो अमोनिया वांगू सानू फॉसफोनियम कंपाउंड दिंदा एसिड दे नाल रिएक्ट करके एच बी आर हाइड्रोब्रोमिक एसिड नाल रिएक्ट करवाया फॉसफीन नूं और सानू की दिता फॉसफोनियम कंपाउंड दिता है पी एच फोर बी आर ठीक है यूजेज ये बेटा खुद करने हैं बुक तो फॉसफोरस हलाइड्स नैक्सट टॉपिक फॉसफोरस बेटा दो तरह के हलाइड्स बनाता है पी एक्स थ्री पी एक्स फाइव एक्स थ्री वास्ते एक्स की हो सकता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्स फाइव वास्ते फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आई क्यों नहीं होंगे इतने क्योंकि देखो जो पांच आयोडीन फॉसफोरस में लग जाए आयोडीन का साइज बड़ा बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी बल्कि ग्रुप हो जाएगा स्टेबल नहीं होएगा बहुत साइज बड़ा होगा ठीक है इस करके अज असी जरा पढ़ा वह पी एक्स थ्री के बारे पढ़ा फॉसफोरस ट्राईक्लोराइड प्रैपरेशन बेटा किदा करते हैं ड्राई क्लोरीन लैनी है वाइट फॉसफोरस नू हीट करना है वो उपरों की ड्राई क्लोरीन पास आउट करनी है सानू मिलता पी सी एल थ्री वाइट फॉसफोरस पढ़िया ना अच वाइट फॉसफोरस के उत्तों ड्राई क्लोरीन पास करवानी है तो सानू
फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड मिलता। होर किदा मिलता बेटा, थायोनाइल क्लोराइड लैना। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होंगे SOCl2। उन्होंने वाइट फॉस्फोरस ना रिएक्ट करवाना, की मिलना सानू PCl3 सल्फर डाइऑक्साइड S2Cl2। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट है, PCl3 साडा मेन प्रोडक्ट है। प्रॉपर्टीज़ की है बेटा, ये कलरलैस है पहली गल, ऑयली जहा लिक्विड होंगे, ठीक है, चिपचिपा जहा, और ये हाइड्रोलाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी, मतलब पानी, वो प्रेजेंस के हाइड्रोलाइज करके फॉस्फोरिक एसिड दिता प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद ऑरगैनिक कंपाउंड। ऑरगैनिक कंपाउंड जिन्हों के OH ग्रुप होंगे, जिमें एसिड तो अलकोहल, इन्हों OH होंगे ना, OH ये भी ये भी वो ही कंबाइन करके सूँ की दिता CH3COCl। ठीक है, तो C2H5Cl जां ते ऑरगैनिक हलाइड दे दिंदा, जां असाइल क्लोराइड, इन बोलते असाइल, क्योंकि आ ग्रुप की होंगे असाइल CH3CO, एसिटिक एसिड है ना, तो CH3CO की असाइल ग्रुप, इन बोलना असाइल क्लोराइड। ठीक है, H3PO3 उही एसिड है, नाल दोनों मिलता पाया। ठीक है, और ये शेप की है बेटा, पिरामिडल शेप है, जिद फॉसफोरस की कि हाइब्रिडाइजेशन है, SP3 तुसी कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये हाइब्रिडाइजेशन फॉसफोरस के वेलेंस 5 है और 3 क्लोरीन उन्होंने लगी हुई है, और एक लोन पेयर बच रहा है। ठीक है, और लोन पेयर असं काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लीयर है बेटा, आ वैज शेप्ड बॉन्ड तो डार्क बॉन्ड है, तुम्हें पता है एक बिलो द प्लेन होंगे, एक इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, 3D दी स्ट्रक्चर है, पिरामिडल शेप है। SP3 वास्ते भला जमैट्री कि होंगी है, टैट्राहीड्रल, बट शेप कि इतने आ रही ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, पिरामिडल शेप, अमोनिया वाली शेप। क्लीयर है बेटा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लैक्चर, थैंक यू।